जब पार्टीज को ये लगता है फॉर देर आर सर्टेन रीजन कि यहाँ पर कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए ये डिसीजन हमें कोर्ट से ही मिल सकता है और अगर कोर्ट को जस्ट एंड रीजनेबल रीजन वैलिड लगता है तो वो आके इंटरफेयर करती हैं और इंटरिम ऑर्डर पास करती हैं ठीक है ना तो वही अब हम देखेंगे कि जो ये इंटरिम ऑर्डर होता है इसका इफेक्ट क्या होता है पार्टीज के डिसीजन पे और पर्पज़ क्या है इंटरिम ऑर्डर का so let's start the very first topic of the effect of interim order what's its effect you have to read with me clearly an interim measures dash put to rest an interim measure jo hota hai bache वो एक तरीके से doesn't put to the rest the rights of the parties parties के जो other rights हैं उनको खत्म नहीं करता है interim measure एक बीच का एक decision ऐसा होता है court का जो वहाँ पर apply करना necessary है राइट बट दैट डजेंट मीन की आपके सारे राइट पार्टीज के जो भी राइट है वो खत्म हो गए कोर्ट के पास अथॉरिटी भी होती है और कोर्ट को जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग अपना इंटेरिम ऑर्डर पास करना पड़ता है अगर उनको ये जस्ट और रीजनेबल रीजन लगता है तो दे हैव द अथॉरिटी एंड जूरिस्डिक्शन टू पास दैट इंटरिम ऑर्डर फॉर वट फॉर प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना और प्रिजर्व भी करना कौन सी पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व पार्टीज इन्वॉल्व इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में होती हैं ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ओके पार्टीज के टाइम पार्टीज जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में होती हैं और अगर उनको ये लगता है उनको किसको कोर्ट को अगर ये लगता है कि इस टाइम पर हमें पार्टीज के राइट right को प्रोटेक्ट भी करना है और प्रिजर्व भी करना है तो वो अपनी अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन से इंटरिम ऑर्डर को पास कर देती हैं ओके बट अगेन यहाँ पर देखिए आई हैव रिटर्न हेयर बट

राइट right, बच्चे तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझनी है लेट्स रीड टुगेदर व्हाट इट सेज कि कोर्ट के पास अथॉरिटी और जुडिसडिक्शन होती है टू पास द इंटरिम ऑर्डर्स किस चीज के लिए टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द पार्टीज ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बट दैट डजेंट मीन्स कि जो पार्टीज हैं जिन्होंने ये ऑर्डर लिया है जुडिसडिक्शन के उससे द अदर पार्टी जो होगी वो अपना क्लेम आर्बिट्रेटर के सामने ना रखे वो भी अपना क्लेम जो है उसको आर्बिट्रेटर के सामने रखेगी कि ये ये ऐसे हुआ है ठीक है बच्चे? अब जो ऑर्डर होगा, कोर्ट कोर्ट के द्वारा जो ये इंटरिम ऑर्डर दिया गया है इंटरिम फाइनल डिसीजन नहीं होता है ये एक इंटरिम स्टेटस का ही ऑर्डर होता है दिस इज नॉट अ Final decision, right बच्चे? This is not final decision. And next thing that you have to keep in mind about the effect that if there is arbitration clause, अगर आपके agreement mein arbitration clause साफ़ साफ़ लिखा गया है parties के बीच में कि हम इस dispute को या कोई dispute arise होगा तो उसको arbitration में ही ले जाकर सुलझाएंगे, ठीक है? Agreement होगा between the parties. डिस्प्यूट हैव बी बाय है आर्बिट्रेटर जो डिस्प्यूट होगा उसको कौन सॉल्व करेगा इट विल हैव टू बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर ओनली इसको डिसाइड आर्बिट्रेटर ही करेगा कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी ठीक है बच्चे इंटरिम ऑर्डर का आपको इफेक्ट पता लग गया दैट इट ओनली प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व द राइट ऑफ द वन पार्टी जो इस मैटर को ज्यूरिसन में लेकर गई है बट अदर पार्टी अपना क्लेम फिर भी उठा सकती है आर्बिट्रेटर के सामने उसका राइट right खत्म नहीं किया गया है नाउ मूविंग टू द अनदर कंसेप्ट ऑफ टूडेज टॉपिक दैट इज अबाउट दी

प्रोटेक्ट मीन सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखना है पार्टीज़ के राइट्स को पार्टीज़ के इंटरेस्ट को कौन सी पार्टीज़ जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्ड है अदरवाइज़ कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड और सेफ गार्ड बाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मीन्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान शायद उनके वो राइट्स प्रोटेक्ट ना हो पाते या उनके राइट्स को उतना सेफ गार्ड कोई नहीं कर सकता था बचा नहीं सकता था इसलिए सिर्फ ये इंटेरिंग ऑर्डर कोर्ट द्वारा ही पास किया गया ऑर्डर उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है जो कि वो पार्टीज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में होती है उनको वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती यही मेन पर्पज होता है एंड दिस पावर जो हमने लास्ट सेशन में भी सेक्शन नाइन किया था ना ये ऑर्डर्स पास होते हैं सो दिस पावर ऑफ सेक्शन नाइन इज नॉट यूज इस इंटेंशन के साथ नहीं लिया जाता मतलब कोर्ट्स ये इंटेंशन लेकर नहीं चलती कि हमें आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट करना है या आर्बिट्रल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में रुकावट डालनी है ताकि आर्बिट्रेटर अच्छे से डिसीजन ना ले पाए ये सब बातें नहीं होती उनका मोटिव होता है पार्टीज को सुरक्षा देना पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कहीं वो हार्म नहीं करती तो आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग्स जो है उसमें जो रुकावट पैदा हो ये इंटेंशन कोर्ट्स की नहीं होती ना ही टू रेंडर द आर्बिट्रेटर डैश ऑफ रिजोल्विंग द डिस्प्यूट ना ही आर्बिट्रेटर को इनकेपेबल प्रूव करना कि कल वो डिस्प्यूट सॉल्व ही ना कर पाए तो ये काम कोर्ट का नहीं होता ये पर्पज नहीं होता पर्पज सिर्फ क्या है द ओनली पर्पज दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोटिव राइट बचे सो इन टूडे से टू इंपॉर्टेंट थिंग्स की इंटेरिम मेजर का इफेक्ट क्या होता है और इंटेरिम मेजर का पर्पज क्या होता है एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दीज टू टॉपिक्स इक्वली और आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या इंटेरिम रिलीफ होता है

i am sure you are making your notes your practice is going well St continue your studies but keep consistency and don't skip any session stay tuned